So that's the decoration that has been done over here. And this is the reception area. Let me show you the wedding cake. And if I show you this plate. So this is hariyali, naan. Or salads, achar, uske baad yahan french fry, papar. तो क्या चल दोस्तों, वेलकम बैक टू नैप जिंदगी। अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, आई जस्ट कम्प्लीट माई एक्सरसाइज। तो जो भी है, आज ऑब्वियसली आफ्टर लंच द वीडियो जिसके ऊपर है, पता नहीं क्या एक्सपीरियंस होगा, वो तो जाने के बाद पता चलेगा। बाय द वे, आज इंद्रानी केम फ्रॉम हर होम, शी वॉज नॉट हियर। तो आके ना आके अभी बस लेट के रील स्क्रॉल किए जा रही है, एक के बाद एक, और मेरे को दिखाई जा रही है, और मेरे को देखना भी है। नहीं देखूँगा तो तो क्या हाल चाल दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है आई थिंक 6 बज चुके हैं। यस, वी आर ऑब्वियसली लेट। तो अभी हम दोनों गाड़ी में बैठ के जाएंगे, क्योंकि रात होगा आते आते, इसलिए गाड़ी में जा रहा हूँ मैं। दोस्तों फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम मैं आज गाड़ी चला रहा हूँ। तो आज मैं वाइट शर्ट और ब्लू चिनोस पहन के जा रहा हूँ, और इनको देखो पर्पल, ये उसका बर्थडे ड्रेस है भाई। पर्पल दिस इज नॉट पर्पल, दिस पिंक। क्या इसमें इसमें क्या ही मैं बात करूँ, बात भी बात नहीं होता है पिंक के ऊपर। जो भी है सीमर, अच्छा ऊपर ये ब्लेजर भी लाया हूँ मैं, जो कोई भी किसी के साथ मैच नहीं करता, देख लो। तो अभी थोड़ा हवा भरवाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट बहुत हालत ख़राब है, इसमें देखो एकदम दब चुका है। बाय द वे गाइस, मैं तो आपको बताना भूल ही गया, ये जो मेरे सफ़ेद जूते हैं, मेरे लाइफ का पहला, ये इन्होंने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट किया है। वो तो मतलब बर्थडे के बहुत दिन बाद आया है, इसलिए ब्लॉग में दिखाना भूल ही गया मैं, उस दिन ब्लॉग किया ही नहीं था एक्चुअली। थैंक यू, वेलकम। तो जी हम लोग कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली, द लोकेशन इज हॉलीडे इन, इट्स अ होटल इन कोलकाता में चिनार पार्क में। तो वहीं पे एक बैंक्वेट है, तो यहाँ पे मैं पहले भी गया हूँ, बिकॉज एक और इवेंट था, मिशन ड्रीम्स, बहुत 3 या 2 साल पहले का बात है। इट्स एन इवेंट बाई वेडिंग कंपनी जितना मुझे पता है, बाकी डिटेल्स मैं अंदर जाने के बाद ही बताऊंगा आपको वहाँ का क्या सीन चल रहा है नहीं चल रहा है। तो मज़े की बात तो ये है कि मेरे को इनविटेशन मिला था, डायरेक्ट फ़ोन पे आया था, बट वो पास सिर्फ एक के लिए था। तो मैंने उनको सब कुछ बोला कि अगर मतलब बुला ही रहे हो तो दोनों को बुलाओ यार, और वो मान भी गए। तो जा रहे हैं, ऐसा मैसेज किया कि मेरे अलावा ये नहीं जाएगा। कभी बोलना पड़ता है, मिल जाता है। अंटी कहीं क्या बात? क्यों बोला बोलता है? तो फाइनली वी हैव रीच्ड, बट यहाँ पे एक इशू हो गया है। इशू मेरे साथ तो होगा ही पार्किंग को लेके, जिसको लेके मैं ज़्यादा टेंशन करता हूँ। वो है कि दिस इज़ द हॉलीडे इन, बट गाड़ी मेरे को बाहर पार्क करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों का हॉलीडे इन का यहाँ का एंट्री पूरा ब्लॉक्ड है, और मेरे को एंट्री लेना होता तो 2 बिल्डिंग पीछे से लेना होता, समझ नहीं आया मेरे को। तो मैं सोचा कि इधर से तो होगा कहीं ना कहीं, बट एक ही एंट्री है, ये थोड़ा अजीब है। लास्ट टाइम ऐसा नहीं देखा था मैं। पैदल हम यहाँ से भी जा सकते हैं, पैदल यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, आज अगर रात के पहले तक एनी टाइम बारिश होता है तो फिर मैं खाली पैदल जाऊँगा, नहीं तो मेरा सफ़ेद जूता पूरा ख़राब हो जाएगा। सो दैट्स द हॉलीडे इन, बट इनके अंदर एक्चुअली है एक बैंक्वेट एरिया, वहाँ पे जाना है। सो दैट्स द डेकोरेशन दैट इज़ बीन डन ओवर हियर। मेरे को अपना पास भी दिखाना होगा, एंड इट फील्स गुड राइट, लगता है खुद की शादी में खुद एंट्री मार रहे हैं। आर यू श्योर यही से जाना है? हाँ, मेरे को पता है। सो दिस इज़ द लाउंज एरिया, या फिर लाउंज एरिया भी है और ऑल्सो रेस्टोरेंट भी है। काफ़ी सही सजाया गया है, बहुत सही लग रहा है मेरे को। पास मैं पास नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मेरे को पास नहीं मिल रहा है। हाँ, मिल गया। सो मुंबई के निखिल फैंस, ये वाला चीज़ आपको दबाने का बहुत मन करता ना, मैं नहीं दबाऊंगा ये एंट्री वेंट्री। एक्चुअली दिस कंपनी एक्चुअली इज़ अ वेडिंग प्लानर कंपनी, तो बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ वेडिंग में ये लोग जैसे डेकोरेशन करते हैं, या फिर दे आर एक्चुअली एग्जीबिशन कहते हैं इसको, एग्जीबिटिंग दैट थिंग ओनली। सो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ बाय वीवा, यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स का एक्चुअली दिखाया जाएगा। लेट्स सी, यहाँ पे 2-3 सेल्फी खींच सकते हो, है कि नहीं, बट पहले अंदर जाते थे। सो ये है एंट्री गेट। ये जो डेकोर मैं देख रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली द एंट्री, यू कैन शो द एंट्री पूरा,
तो यहाँ से एक्चुअली एंट्री हो रहा है मेन गेट का, एंड दिस इज द एंटायर बैंक्वेट. 10,000 square feet बोला, राइट? 10,000 square feet मैन. दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, सो दिस इज द डेकोर ओवर हियर. एंड मैं थोड़ा मेस्पराइज्ड हूँ. मैं समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ. तो यहाँ पे जो डेकोर खाने का है, खाने का मैं बाद में बता रहा हूँ, वो तो मतलब लास्ट में हमेशा होना चाहिए, बट कम ओवर हियर. सो द बेस्ट पार्ट इज वी गॉट दिस इन्विटेशन. अब इन्विटेशन मतलब खाना, मेरे को बाकी कुछ नहीं चाहिए, खाना मेरे को चाहिए. उसके लिए थोड़ा इंतजार करो. ये जो सेक्शन, ये खाने का सेक्शन के बाद ये वाला सेक्शन है एक्चुअली जो क्राउडिंग होगा, मतलब लोग बैठेंगे, सब कुछ होगा, मतलब मस्ती मजाक डांस वगैरह सब कुछ. दे हैव डिजाइंड ओवर देयर. सो दिस इज द राउंड टेबल डेकोरेशंस. आप लोग देख ही सकते हो बहुत सुंदर से सजाया गया है. एंड दिस इज द रिसेप्शन एरिया. यू कैन सी बहुत ही सुंदर है. यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बैठेंगे. एक्चुअली जो आप यहाँ पे देख रहे हो दैट इज नॉट द ओनली डेकोरेशंस दैट दे कैन डू. दिस इज वन ऑफ द डिस्प्लेस. मेरे को लगा था कि काफी और डिस्प्लेस होगा, बट स्पेस को भी तो पूरा यूटिलाइज करना होगा, नहीं तो बाकी सारी चीजें नहीं दिखा पाएंगे. सो ये वन ऑफ द डेकोर्स है. एंड लाइटिंग का काम यहाँ पे बहुत सही से किया गया है. एंड इफ आई टॉक अबाउट इन पर्टिकुलर द स्मॉल डिटेल्स जो यहाँ पे डाला गया है, यहाँ का फूल को छोड़ के ना एंट्री में जो फूल था, ओ वो मतलब फूल देखे मैंने लगा थोड़ा देखू मैं फूल. तो दिस इज द मंडप एरिया. यहाँ पे अभी बैठने का जगह दिया गया है क्योंकि कोई नहीं है मंडप पे इसलिए, लेकिन मंडप बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन किया गया है. एंड दिस इज मतलब ये तानपुरा और तबला बजाने का जो होता है ना, मतलब संगीत, तो वो सेटअप भी कहाँ पे लगा है, यहीं पे लगा दिया अभी के लिए. बट ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मंडप्स आई हैव सीन. वन ऑफ द बेस्ट मंडप. जो ऊपर का डेकोरेशन का काम किया गया भाई साहब, देखो आप, देखा दिस पार्ट, दिस एंटायर पार्ट. यहाँ पे बैठ, यहाँ पे आप स्टेज बना सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब यहाँ पे बैठने का जगह कर दिया है, बट एक्चुअली यू कैन हैव योर ओन सेटअप जहाँ पे नाच गाना हो, दूल्हा दुल्हन नाचे, सहेलियाँ नाचे, सालियाँ नाचे, तभी ना मजा आएगा. ये हो गया. अभी हम लोग देखने जाएंगे एक दूसरा बैंक्वेट. वो देखने से पहले यहाँ पे एक आई थिंक एक मैम से बात करना है, समवन फ्रॉम द मार्केटिंग टीम. लेट्स सी, हैव अ टॉक, उसके बाद और भी दिखाते हैं आपको. सो नाउ वी आर फाइनली सीटेड टू हैव अ टॉक विद अनन्या, राइट? यस. सो शेयर फ्यू थिंग्स. नमस्ते, आई एम द मार्केटिंग एंड पीआर मैनेजर ओवर हियर. द नेम ऑफ दिस इवेंट इज विवा बाय हॉलिडे इन. सो द रीजन वी आर डूइंग दिस यू नो ग्रैंड इवेंट इज टू शो द काइंड ऑफ फैसिलिटीज दैट वी हैव एट अवर प्रॉपर्टी. एज यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल फैसिलिटी इज कॉल्ड दरबार. व्हाट वी ट्राई टू डू इज वी ऑलवेज ट्राई टू यू नो do something different. Yes, exactly. So this is a one of a kind experience center. कि इसके अंदर आके लोगों को ऐसा लगे कि चलो शादी करना है. We are talking the same thing when you are coming here. Yeah. So that means our target is met. Exactly. That is our goal. Is also coming. Okay, the sad part is we have already booked everything. I'm sad. At least. Bloggers होने के फायदे. फ्री में पनीर, हरियाली पनीर कबाब मेरे को लग रही है. और ये क्या है? ये मेरे को पता नहीं, बट सही लगा मेरे को. हाँ, बहुत अच्छा है. और ये यहाँ पे बाल्टी में कुछ दिया गया है. और ये भी बहुत अच्छा है. एवरीथिंग इज अमेजिंग. अभी तो ये स्टार्टर्स हैं, इसी में इतना क्रेजी हो रहा है. पर जो भी है मज़ा आ गया. सो नाउ वी आर एक्चुअली हेडिंग टू अनदर बैंक्वेट जो अंडरग्राउंड में है. उसके बाद पूल साइड भी एक्सप्लोर करेंगे. एक मिस इन्फॉर्मेशन, पहले हम लोग स्विमिंग पूल जाएंगे. फॉग हो रहा है कैमरे पे. वाह मैन, पहली बात तो यहाँ से व्यू बहुत सही दिख रहा है. थोड़ा ये फेंस और नीचे होता तो और अच्छा होता. बट दिस द पूल साइड, हाउ यू फीलिंग? बहुत सही लग रहा है. थोड़ा ह्यूमिडिटी है. हाँ. बाकी बहुत सही लग रहा है. यार मेरे को लग रहा है कि मैं मंदारवनी में आ गया हूँ. इतना पूल में गए हैं वहाँ पे. सो दिस द पूल साइड, यू कैन सी. पूल तो कभी सही लगा, थोड़ा अंधेरा था. एंड नाउ वी आर एंटरिंग अनदर बैंकेट जो अंडरग्राउंड में है. एंड ये थोड़ा ये 5,000 का है, राइट? 5,000 square feet. 6,000. ओके. एंड दिस इज़ द प्लेस ओवर हियर, आप देख पा रहे हो. सो ये भी काफ़ी सही है अगर आपके पास लाइक मैक्सिमम फ्लोटिंग में अगर आपका 250-200 के अराउंड के स्टार है तो ऊपर वाला लेने का ज़रूरत नहीं है. आप नीचे आ जाओ. रियली नाइस, मतलब काफ़ी स्पेशियस है. एंड ये बैंक्वेट ओनिक्स का एंट्री है. और ये जो लंबा स्पेस आप देख रहे हो ये पूरा बफे के लिए इस्तेमाल होता है. मतलब मैं सोचा था कि अंदर ही लोग खाएंगे, ऐसा नहीं है. मतलब इसको मिला लेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस है. और भैया ये कैसे ना दिखाया आपको, दिस इज़ द वॉशरूम एरिया. मतलब मेरे को एक्चुअली दिखाने के लिए नहीं आ रहा हूँ, मतलब मेरे को एक्चुअली यूज़ करना है इसलिए. बट ट्रस्ट मी, दिस सो गुड मैन, दिस सो गुड. अब बारी आती है किसके लिए हम लगाए हैं. बट लेट मी शो यू द वेडिंग केक. सो दैट्स द वेडिंग केक ओवर देयर.
एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी सारे डिशेस हैं, मोर देन 60 प्लस आइटम्स आर देयर एंड सब कुछ यहाँ पे वेज है। तो हम मतलब नॉन वेज कैटेगरी के लोग हमेशा दिमाग में आते हैं कि वेज में इतना आइटम कहाँ से लाएंगे। तो ये यहाँ पे प्लेट में ले लिया, दिस पनीर, सबको मतलब पनीर वेज में है, बट समथिंग आई हैव नेवर ट्राइड, लोटस स्टेम, भाई खाया कभी? सो दिस इज लोटस स्टेम से कुछ बना हुआ है, अब वो पता नहीं मेरे को क्या है। यहाँ पे राजस्थानी स्टाइल समथिंग, यहाँ पे कुछ साग है राजस्थानी स्टाइल, और यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स, मेरे को नाम ही समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये कुछ छोले का कुछ है, ये भी थोड़ा ले लेते हैं। यहाँ पे जो रोटी वाला काउंटर है, यहाँ पे लाइव काउंटर है, मतलब हमारे सामने ऑर्डर देने के बाद ही बनेगा। तो हमने बोला दो बेबी नान बनाने के लिए, तो सब कुछ ये खा के देखेंगे इसमें क्या है। मतलब इसमें राजस्थानी है, मारवाड़ी है, और बंगालियों का मतलब बंगाली भाई मछली और नहीं, ये पनीर वाला तो बंगालियों का ही है। नहीं मतलब बंगाली संतुष्ट की तब आता है जब आप मछली और चिकन मिले है कि और मटन भी मिले, बट आज ये खा के देखेंगे कि कैसा लग रहा है। सो नाउ लेट्स शो यू, यहाँ पे बहुत सारे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, बट सजावट इज द थिंग दैट अट्रैक्ट एक्चुअली। तो दिस इज अ फ्रूट सलाद जिसमें कुछ फ्रूट्स है, मेयोनीज है। And if I show you this plate, यहाँ पे कुछ लाया नहीं मैं, पनीर और ये पुलाव है और सलाद, और यहाँ पे बहुत सारे तरीके के मतलब फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, हर स्टेट में जो फेमस होता है। लेट मी ट्राई दिस, दिस इज अ फ्रेंच फ्राई ओनली, सो लेट्स ट्राई आउट द पुलाव। ट्रस्ट मी, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बुलाया है इसलिए, बट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलाव एंड पनीर टिक्का बटर मसाला जो मैंने अभी तक खाया है, बहुत सही लगा मेरे को। दिस इज़ अ फ्रूट सलाद जिसमें पता नहीं क्या दिया गया बट मीठा है, जो है अच्छा लगा था। सो दिस इज़ हरियाली नान, और यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न लाया हूँ, यहाँ पे पनीर है, मैं खाया तो जा रहा हूँ, बट लेट मी टेल यू, यहाँ पे जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो पूरा एंटायर, अगर आपको चाहिए जाओगे 60 प्लस आपको कितना वेज आइटम्स मिलेगा यहाँ पे, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मतलब टोटली डिफरेंट, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा। सो ये टोटल पैकेज आपका आ जाएगा, आप गेस कर सकते हो, बट आ जाएगा आपका 25 लाख के आसपास, ठीक है, 25 लाख पूरा खर्चा है। तुमको यहाँ पे भी आके कौन ही खाना है? हाँ मतलब मेरे को, मैं सब ट्राई करने का सोच रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या है ना, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में मेरे को एलर्जी होता था, तो वो एकदम नहीं पता है ना, वो मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ। इसमें पता है कितना बटर डाला, इतना सा, लेकिन ये कॉर्न खाने में बहुत अच्छा है। देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या लिखा है, सैलड्स है, अचार और ज़्यादा सैलड्स, उसके बाद यहाँ फ्रेंच फ्राई, पापड़, पापड़ अगर खाना है तो चटनी की तरह, टू मेनी थिंग्स ओवर हियर, टू मेनी थिंग्स, शायद टू मैं तो, और यहाँ पे मिठाई, वहाँ पे भी मिठाई, से गुलाब जामुन, नहीं 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 गुलाब जामुन नहीं, नहीं खाना है मेरे को, खाना है ये नहीं खाना है, ये भी नहीं खाना, दिस इज बेक्ड रसगुल्ला, ये यहाँ पे क्यों लिखा है, ये क्या है फिर? देखो दोस्तों, हम लोग इतना सब कुछ एक साथ नहीं देखे हैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा है कि क्या खाए, क्योंकि पेट अभी 85% फुल हो चुका है। मुझे जानना है कि क्या वो केक कट करके देगा, केक कट करके, बट इज दिस आई डोंट नो भाई, ये दो ले रहा, ये तो बेक रसगुल्ला लग रहा है। मैं घर पे मिठाई नहीं खाया आज, मम्मी मेरे को रसगुल्ला दी, अगर ये वीडियो देखेगी तो घर पे नहीं खाओगे बाहर खाओगे। अभी ले लेते हैं, टेक दिस। तो अब मिठाई की बारी, मिठाई मतलब दी एंड के नज़दीक आ रहे हैं हम लोग, मेरे को मौके, मैं कब से मांग रहा हूँ कि चम्मच दे, मेरा मैंने दिखाना नहीं है, मैं खाऊंगा, क्या देखना है, सब देख लिया है लोगों ने, ये वाला सबसे अच्छा है, जिस बेक्ड रसगुल्ला, ये बेक्ड रसगुल्ला तो ये लिखा था, पता नहीं क्या मिठाई, लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये बेक्ड रसगुल्ला के जैसा खाने में, गुलाब जामुन जो मैंने खुद लिया है अपने लिए, गुलाब जामुन के जैसा ही है, वाओ, बताने के लिए अल्फाज कम कर रहे हैं, इतना लाजवाब है खाने में, अमेजिंग एक्सपीरियंस, मेरे को मज़ा आ गया। लोग अपना खाना मिठाई से ख़त्म करते हैं, हम ये नूडल से ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मीठा खा लिया कि अंदर से वो अजीब सा फीलिंग आ रहा है। तो दिस इज़ सम नूडल्स, इसका नाम मत पूछो, बस इन्जॉय कर रहे थे। हक्का नूडल्स वाला फीलिंग आ रहा है, भात लिखा था वहाँ पे, घी भात, और उसके ऊपर ये
सलाद वगैरह बहुत कुछ दिया गया, आई डोंट नो ये मीठा है तीखा है खट्टा है कुछ नहीं पता, मिर्ची भी दिया है, थोड़ा सा खा के देखो बहुत अजीब है, अच्छा है मतलब दही भात जैसा है, बहुत अजीब लग रहा है, मेरे को अच्छा ही लगा। सो फाइनली वी आर लिविंग और यहाँ पे फॉग होना चालू हो गया, बहुत ज़्यादा ठंडा है अंदर। तो अभी मैं सोचा था कि आज बहुत लेट होगा क्योंकि अक्सर इवेंट में ना बहुत रात तक हो जाता है, एक्चुअली दिस इज़ नॉट एन इवेंट क्योंकि एग्जीबिशन हो रहा है तो पहले से ही खाना लग चुका था इसलिए लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना चाह रहे थे, 8 बजे से लोग खा रहे थे पता है 8 बजे से। तो गाइस नाउ रिटर्निंग होम, बाहर आ गए, घर जाके खाना है? नहीं मुझे हाथ में बहुत जोर से चोट लगा, बच्ची है ना, रूम का दरवाजा मैंने खुद के हाथ के ऊपर ही दे दिया। तो जाते हैं अभी घर और घर जाके मेरे को खानी है, मेरा लाइक फुल हो गया, मैं कम खाया हूँ ऐसा लग रहा है बट फिर भी फुल। हाँ, क्योंकि ये घर में इतना ज़्यादा खाता है इसमें उसका हाफ भी नहीं खाया, फुल हो गया मैं यार, पता नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा। ये सब पहना नहीं जाता तो पहनते क्यों, हुआ गाड़ी में बैठने के बाद जूता खोल ली, कान के इयररिंग्स खोलना चालू कर दिया बट फिर भी पहनना है। सो गाइस वी रीच्ड होम, नहीं अभी तक भूख नहीं लगा है तो मैं नहीं खा रहा, खाना है? नहीं। तो कल का ब्लॉग बहुत मज़ेदार होगा, तो जो भी है कल का ब्लॉग तो कल, बट आज अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना चैनल को, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा है तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट देम अगर आपको मन करे तो, बट हमने तो अपना शादी का बुकिंग कर लिया है तो कुछ उपाय नहीं है, देवर लाइक ओ क्लाइंट चला गया। जो भी है ब्लॉग अच्छा है लाइक शेयर सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम में दोनों को फॉलो करो एंड टिल रमिंग अपलोड बटिंग चैनल, मिलते हैं कल के अमेजिंग ब्लॉग के साथ।